condition of resonance. रिजोनेंस का क्या कंडीशन है हम लोग ये पढ़ेंगे. देखिए हम आपको कुछ कंडीशंस बताने जा रहे हैं जिसमें रिजोनेंस पॉसिबल होगा. कब रिजोनेंस करोगे, कैसे रिजोनेंस करोगे, ये सब आपको समझ में आएगा. सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला कंडीशन की बात अगर हम करें तो पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के पास ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए जो सेम प्लेन में हो एज वेल एज ओवरलैपिंग बिटवीन देम इज पॉसिबल. मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स इन सेम प्लेन एज वेल एज ओवरलैपिंग बिटवीन देम इज पॉसिबल. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है. मॉलिक्यूल शुड हैव pi electrons in one plane. Molecules should have pi electrons in one plane. ठीक है, मॉलिक्यूल जो होना चाहिए एक प्लेन में उसमें pi electrons होना चाहिए. Molecules should have pi electrons in one plane and overlapping between them. Overlapping between them is possible. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में होना चाहिए और उसके बीच में ओवरलैपिंग होना चाहिए पॉसिबल. जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखते हैं कंजुगेटेड अल्कीन. कंजुगेटेड अल्कीन इसमें अगर हम बात करें CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यहां भी डबल बॉन्ड है. तो यहां पर देखिएगा कि आपके पास जो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखना चाहे तो ये है पी ऑर्बिटल. ठीक है, और इसमें जो है पाई बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है. ये भी पीवाई मान लीजिए आप पीवाई प्लेन में है, पीवाई ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये भी पीवाई. ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है सेम प्लेन में है. एक प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट को यहां पे फील होता है कि वो कहते हैं कि पीवाई क्यों लिया गया है, पीजेड क्यों लिया गया है. मतलब एक में पीवाई लेते हैं, एक में पीजेड लेते हैं. ऐसा नहीं लिया जाएगा बिकॉज अगर आप सेम प्लेन में रखते हो, सेम प्लेन में रखते हो दोनों पाई बॉन्ड का को, तो आपको उसके बीच में रिजोनेंस पॉसिबल होगा. और अगर रिजोनेंस पॉसिबल होगा तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी गेन होता है. जैसा कि आपने देखा कि रिजोनेंस हाइब्रिड का स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है. तो अगर रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिसके कारण मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करेगा. तो रिजोनेंस अलाउ करने के लिए हमने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को सेम प्लेन में रखा. ठीक है, तो एक बात तो आपको साफ दिख रहा होगा कि बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम प्लेन. दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है सेम प्लेन में है. एज वेल एज गौर कीजिएगा, एज वेल एज जैसा ओवरलैपिंग इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जैसा ओवरलैपिंग है वैसा ही ओवरलैपिंग इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में भी हो सकता है, वैसा ही ओवरलैपिंग इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में भी हो सकता है. बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम प्लेन एज वेल एज ओवरलैपिंग बिटवीन
पाई ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल, एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है। कहने का सिंपल मतलब यह है कि इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में जैसे पाई बॉन्ड बना है, एकदम बिल्कुल उसी तरह का इफेक्टिव पाई बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनेगा, बिकॉज वन टू पोजिशन पे ही है, अगल बगल में है, तो ओवरलैपिंग आसानी से होगा। अब अगर हम बात करते हैं अब आइसोलेटेड अल्कीन का, आइसोलेटेड अल्कीन का तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाए CH2 CH, CH2 CH और CH2, तो ऑर्बिटल पिक्चर आपका इस तरह से होगा। ये इसके इसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ, इसके इसके बीच में ओवरलैपिंग हुआ, PY PY ओवरलैपिंग, और यहां भी PY PY ओवरलैपिंग, सेम प्लेन में है दोनों ऑर्बिटल, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में है, तो बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम प्लेन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है। लेकिन गौर ये कीजिएगा कि सेम प्लेन में होने के बावजूद इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। हाउएवर ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स कौन कौन सा, दिस वन PY star इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग जो होगा हम लिख देते हैं PY star के बीच में, जो PY star लिखे हैं इज नॉट पॉसिबल ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस रेजोनेंस is not allowed, resonance is not allowed, so this is written hai in this case, is case mein resonance allowed nahi hoga, same plane mein hai pi electrons lekin resonance is plane mein, resonance is case mein allowed nahi hoga। baat agar hum yahan pe kare conjugated alkene ka to aap dekh sakte ho dono condition satisfy hai, dono jo hai पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में एंड ओवरलैपिंग बिटवीन देम इज पॉसिबल, हेंस रेजोनेंस इज अलाउड, रेजोनेंस इज अलाउड इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस अलाउड होगा। तो आपके पास ये दो हमने एग्जांपल लिया कंजुगेटेड अल्कीन और आइसोलेटेड अल्कीन का। अब हम लोग एक और तरह का अल्कीन पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज बताए थे हम, एक और तरह का अल्कीन होगा कुमुलेटेड अल्कीन, कुमुलेटेड अल्कीन्स या कुमुलिंग्स बोला जाता है सिंपली इसको, ठीक है। तो अगर आप ये लेते हो CH2 डबल बॉन्ड CH या C डबल बॉन्ड CH2, और अगर आप ये लेते हो दो केस लिया, और अगर हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाए इसका H2C का, और यहां भी हम ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं, तो आप गौर करोगे कि यहां पर जो आपका ऑर्बिटल है वो इस तरह से है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन PY PY ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, और फिर एक और जो पाई इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये sp हाइब्रिडाइज होगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
मतलब sp ऑर्बिटल्स कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होगा, तो दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स के कारण आपके पास होगा एक ब्लैक, हमने pz दिखाया, और इसके पास भी pz ही होना होगा तभी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगा। सेम प्लेन में जो ऑर्बिटल होता है उसी में ओवरलैपिंग अलाउड होगा। अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दोनों इस तरह से है तभी ओवरलैपिंग होगा, अगर ऐसे है तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो अब आप गौर करोगे कि जो फर्स्ट पाई बॉन्ड है सेकेंड पाई बॉन्ड से डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट प्लेन। And hence, resonance is not possible. Not possible in this case. इस केस में रिजोनेंस होगा पॉसिबल नहीं होगा, प्लेन ही अलग अलग है। बात अगर हम यहां पर करें तो यहां पर आप फिर देख सकते हो sp2 hybridized, sp hybridized, sp hybridized और sp2 hybridized। ठीक है, ये हो गया आपका, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं py py। ऑब्वियसली sp hybridized होने का मतलब दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होगा, तो एक पी ऑर्बिटल मान लेते हैं pz, तो pz ये माना हुआ है आपको, ऐसा नहीं कि pz ही कंपलसरी होता, आप मानो तो x भी मान लो, pz और pz इसके बीच में ओवरलैपिंग होकर के इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया। गौर कीजिएगा आप, इसके बीच में पाई बॉन्ड है तो आपको py और py ही मानना पड़ेगा, py और py ही मानना पड़ेगा, ऑर्बिटल इसके बीच में क्या होगा पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म कर रहा होगा, इसके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये साफ देख सकते हो आप कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अगर हम कहें पाई बॉन्ड को, तो फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन, फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड आर इन सेम प्लेन, and hence a resonance or also overlapping between adjacent, kyunki adjacent hai adjacent p orbital, adjacent p orbital hai, p orbital adjacent hai ye dono p orbitals is possible, hence और इसलिए क्या होगा इसके बीच में रिजोनेंस होगा, hence resonance is allowed, resonance between first and third pi electron is possible, फर्स्ट और थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रिजोनेंस होगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे कि रिजोनेंस तभी होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में हो एज वेल एज पी ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्ड बना रहा होगा उसके बीच में ओवरलैपिंग भी अलाउड हो। तो इस एनालिसिस से हमने आपको तीनों केस कराया, कंजुगेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड अल्कीन और कुमुलेटेड अल्कीन, इन तीनों केस में आपको यह समझ में आ रहा होगा कि वही पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिजोनेंस होगा, वही पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिजोनेंस होगा जो कि आपस में कंजुगेटेड हो। गौर कीजिएगा कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड का मतलब होता है वन छोड़ करके। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप जो एनालिसिस हमने किया और ये कंडीशन से आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको ये पता चल रहा होगा कि पाई बॉन्ड्स
प्रेजेंट एट कंजुगेटेड पोजीशन, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट एट कंजुगेटेड पोजीशंस आर रेजोनेंस रिलेटेड, आर रेजोनेंस रिलेटेड, वो चाहे कंजुगेटेड एल्कीन का केस हो या कुमुलेटेड एल्कीन का केस हो, अगर पाई बॉन्ड्स कंजुगेटेड पोजीशन पर है तो आपस में क्या होगा, रेजोनेंस रिलेटेड होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद सेकेंड कंडीशन होता है कि रेजोनेंस बिटवीन टू रिंग्स आर पॉसिबल, रेजोनेंस बिटवीन टू रिंग्स आर पॉसिबल इफ, क्या होगा, रेजोनेंस बिटवीन टू रिंग्स आर पॉसिबल इफ दे आर इन सेम प्लेन। अगर रेजोनेंस, अगर जो आपका रिंग्स है अगर सेम प्लेन में है तो उसके बीच में रेजोनेंस होगा। जैसे देखिए आप इसको गौर कीजिए, ये केस है। आप गौर कीजिएगा कि यह ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेटेड पोजीशन पर है, ये पाई बॉन्ड इधर खुलेगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इज अलाउड बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंजुगेटेड एंड आर एंड रिंग्स आर इन सेम प्लेन, रिंग्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है, तो रेजोनेंस यहां पर अलाउड होगा। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं ये हम इसको NMA3 लिखते हैं, CH3 लिख रहे हैं, CH3 लिख रहे हैं और कुछ भी हम C2H5 लिख देते हैं। तो जैसा कि आपको हमने हाइब्रिडाइजेशन के केस में बताया था कि इन सब का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अस्टेडिक रिपल्सन होगा, ये नोटेशन है अस्टेडिक रिपल्सन का, ठीक है, जो लार्जर ग्रुप हमने अटैच किया है इन सभी पोजीशंस पर उसमें अस्टेडिक रिपल्सन होगा, ठीक है, अस्टेडिक रिपल्सन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन हाइब्रिडाइजेशन। अस्टेडिक रिपल्सन होता है जब लार्जर ग्रुप एक दूसरे के नजदीक आता है तो उन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्सन करता है, उसी को अस्टेडिक रिपल्सन कहा जाता है। तो अस्टेडिक रिपल्सन बिटवीन CH3, C2H5, NMA3, ठीक है, अस्टेडिक रिपल्सन बिटवीन CH3, C2H5, NMA3 एग्जिस्ट, ठीक है। अब टू मिनिमाइज अस्टेडिक रिपल्सन क्या होगा, प्लेन ऑफ रिंग चेंजेस, जो प्लेन होगा रिंग का वो क्या होगा, चेंज कर जाए, एंड हेंस प्लेन ऑफ रिंग क्या होगा चेंज कर जाएगा, एक प्लेन जो होगा दूसरे के 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास इस तरह से दो ये ग्रुप है, अगर ये रिंग क्या होता है रोटेट करना शुरू करता है ऐसे, तो ये ग्रुप जो होगा ऐसे हो जाएगा, ये ग्रुप
जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। तो ये और ये ग्रुप के बीच में डिस्टेंस हो गया, बढ़ गया, मतलब बहुत दूर चला गया परपेंडिकुलर होने के कारण, और इसलिए क्या होगा, रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन इस कोशिश में रिंग अपना प्लेन चेंज कर चुका है, और जब रिंग अपना प्लेन चेंज कर चुका है एंड हेंस प्लेन ऑफ रिंग चेंजेस एंड बिकम्स परपेंडिकुलर, ये लेते हैं बिकम्स परपेंडिकुलर टू अदर रिंग, टू अदर रिंग, और इसमें क्या होगा, हेंस रेजोनेंस बिटवीन रिंग इज नॉट अलाउड, रेजोनेंस होगा रिंग के बीच में वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि रेजोनेंस रिंग के बीच में तभी होगा जब दोनों सेम प्लेन में हो। ऑब्वियस सी बात है, पहला कंडीशन ही आपको लिखा गया है कि तभी रेजोनेंस होगा जब सेम प्लेन में होगा। इसी तरह से हम एक और केस आपको दिखाते हैं, आप इस केस को कंसिडर कीजिए। चलिए एमई और एमई लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेटेड में, याद रखिएगा रेजोनेंस जो होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन में हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंजुगेशन में हो तब भी होता है, हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे सारा चीज। तो रेजोनेंस यहां पर होगा, ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, और इसलिए क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो यहां पर रेजोनेंस अलाउड होगा, रेजोनेंस बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग इज पॉसिबल, रिंग इज पॉसिबल बिकॉज दे आर इन सेम प्लेन एंड आर कंजुगेट पोजिशन, बिकॉज दे आर एट कंजुगेटेड पोजिशन एंड आर इन वन प्लेन, कंजुगेटेड पोजिशन के साथ साथ दोनों एक प्लेन में भी है, जिसके कारण से यहां पर रेजोनेंस संभव होगा। लेकिन अगर हम इस केस को कंसिडर अगर करते हैं, हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं, यहां पर एमी लगा दिया, यहां पर ईटी लगा दिया इथाइल ग्रुप, यहां पर एन एमी लगा दिया, एमी लगा दिया, यहां पर गॉट इट। इन सभी ग्रुप के बीच में जो हमने एमी लिखा हुआ है, इसके बीच में स्टेडी रिपल्सन होगा, इसके बीच में फिर स्टेडी रिपल्सन होगा, जिसके कारण से स्टेडी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो होगा, ये एमी जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा 90 डिग्री से। ठीक है, तो टू मिनिमाइज स्टेडी रिपल्सन, स्टेडी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज स्टेडी रिपल्सन, ठीक है, प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग एंड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर लिखते हैं, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, चेंजेस एंड हेंस रेजोनेंस बिटवीन देम, रेजोनेंस बिटवीन देम इज नॉट अलाउड, और इसलिए क्या होगा, रेजोनेंस बिटवीन देम जो होगा वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है जिसमें आपको ये देखना है कि कंजुगेटेड पोजीशन होने के साथ साथ जो प्लेनरिटी वाला कंडीशन है, जो हमने ऊपर भी लिखा है कि प्लेनरिटी वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब रिंग ऐसा हो जो कि सेम प्लेन में हो, रिंग ऐसे स्पेसिस के साथ सेम प्लेन में होना चाहिए जिसके साथ वो रेजोनेंस कर रहा हो। ये दूसरा कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं पे हम आपको एक पॉइंट बताते हैं कि रेजोनेंस
किस किस केस में होगा, ठीक है। रेजोनेंस, कंजुगेटेड पोजीशन पाई बॉन्ड के साथ लिखा हमने। उसके बाद कुछ और भी कंडीशंस है जिसके आधार पे आप कहोगे कि रेजोनेंस होता है। इसे थर्ड कंडीशन हम लिखते हैं, पहले हम कंडीशंस ही बता देते हैं, उसके बाद उसके इसको डील कर लेंगे हम लोग कि कब कब रेजोनेंस करना। थर्ड कंडीशन होता है कि आपको रेजोनेंस करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा से डीपर नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड नॉट डीपर बाय लार्ज अमाउंट, ठीक है। अलाउड है कि डिफरेंस होगा स्टेबिलिटी में, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट से डिफरेंस अलाउड नहीं। फॉर दिस, इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी के पास जीरो अनपेयर्ड हो, किसी के पास दो अनपेयर्ड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप समझोगे, पॉइंट ये, दोनों स्टेटमेंट एक ही चीजें हैं कि सारे का स्टेबिलिटी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अलाउड है, बहुत ज्यादा डिफरेंस अलाउड नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में, तभी जब सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे इसमें अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इसमें जीरो है। अगर आप इसी का रेजोनेंस करते हो तो आप बना सकते हो ये CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 माइनस और प्लस। और इसमें अगर हम आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है आपका। कैसे, प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस का मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट वन इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर आप क्या करते हो, उलट करके करते हो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो आपका आएगा इस तरह से, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका जीरो है। लेकिन अगर आप करते हो इस तरह का बात, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 डॉट, अगर आप सिंपल इस तरह का मूवमेंट, जो फोर्थ है, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा है, फोर्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए हम दिखा रहे हैं कि हमने बस हाफ शिफ्ट किया है इलेक्ट्रॉन को, हाफ शिफ्ट किया है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसको देखोगे कि आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि आप यहां पर देख रहे हो कि इन तीनों केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने का, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ स्ट्रक्चर, इट इज वेरी लेस स्टेबल, इट इज वेरी लेस स्टेबल, इट इज वेरी लेस स्टेबल कंपेयर टू, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ स्ट्रक्चर, इट इज वेरी लेस स्टेबल कंपेयर टू, आप कह सकते हो कंपेयर टू 1, 2 and 3, हेंस 4 इज नॉट टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ 1, 2 and 3,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का संख्या अलग हो जाने के कारण चौथा में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया और अलग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाने के कारण इसका स्टेबिलिटी इन तीनों से बहुत कम हो जाएगा और इसीलिए इसको फोर्थ स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, 2, 3 का नहीं कहेंगे। तो दिस इज द अदर कंडीशन। इसके बाद एक और कंडीशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना होता है कि चौथा कंडीशन यह है कि रिजोनेंस करते वक्त कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे वो स्ट्रक्चरली अलाउड होना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर आप नहीं बना दोगे जो कि पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। व्हेन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, व्हेन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड दे मस्ट बी स्ट्रक्चरली अलाउड, दे मस्ट बी स्ट्रक्चरली अलाउड, वो डेफिनेटली स्ट्रक्चरली अलाउड होना चाहिए। ऐसा आप स्ट्रक्चर नहीं बना दोगे जो स्ट्रक्चरली अलाउड ही नहीं। इसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर हम लिखते हैं NME3+। रेजोनेंस यहां पर होगा बिकॉज पाई बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज है कंजुगेशन में, तो आप रेजोनेंस करोगे। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के अनुसार कंजुगेशन पोजीशन पे है, रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होके बनना चाहिए क्या CH डबल बॉन्ड NME3 और यहां हो जाएगा प्लस। अल्टीमेटली इस तरह से ऐसे ही करते हैं हम लोग, ये पाई बॉन्ड अगर हमने इधर खोला ओपन किया तो यहां माइनस माइनस प्लस मिलकर के बन गया एक पाई बॉन्ड और यहां पे हो गया प्लस। इस कार्बन पे हो गया प्लस और इस पे हो गया, इन दोनों पे हो गया डबल बॉन्ड। गौर कीजिएगा यहां पर ये स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल होगा, नॉट अलाउड, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहां पर आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, 5 बॉन्ड इधर बना रहा है। बिकॉज यहां पर आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन इज पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन इज पेंटावैलेंट मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन जो है यहां पर 5 बॉन्ड बना रहा है जिसके कारण से ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। नाइट्रोजन इज पेंटावैलेंट एंड हेंस दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड और इसलिए सो इस तरह का रेजोनेंस, सो रेजोनेंस इन दिस केस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस इन दिस केस इज नॉट पॉसिबल। रेजोनेंस होगा इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। कंडीशन ये है कि प्लस अगर रहता है पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में तो रेजोनेंस किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आप देख रहे हो कि अगर आप रेजोनेंस करते हो तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना ले रहा है, 5 बॉन्ड कभी नाइट्रोजन नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन अगर 5 बॉन्ड्स बनाता है तो ठीक है, 5 बॉन्ड्स पेंटावैलेंट मतलब 5 बॉन्ड बना रहा है और 5 बॉन्ड बनाने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन इम्पॉसिबल है बिकॉज नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, जो आप जानते होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, ठीक है। एक और आपको इस तरह का कुछ कंडीशन आपको दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप रेजोनेंस करते हो इस केस में, मान लिया हम आपको ये केस देते हैं और ये माइनस है। अगर आपको लगेगा कि वो ये कंजुगेशन में इसके साथ, तो बहुत सारा स्टूडेंट करता है इस तरह से, ये कर देगा। तो प्रॉब्लम ये है इस केस में कि अगर आप ऐसा करते हो तो यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां माइनस और दिस वन, ऐसा जैसे ही आपने किया इस जगह पर आपने 2 पाई बॉन्ड दे दिया, इस कार्बन को आपने 2 पाई बॉन्ड दिया इधर और एक इधर। 2 पाई बॉन्ड का मतलब है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कार्बन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड
अप टू सेवन मेंबर रिंग, सेवन मेंबर रिंग तक अलाउड नहीं है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण, ठीक है, हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण जो है यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन अलाउड नहीं होगा। पॉइंट ये है, देखिए आप समझिए, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होगा स्टेबल नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, और इसलिए यहां रेजोनेंस नहीं होगा। सो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। यहां पर रेजोनेंस बिटवीन, मतलब बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज, अदर के साथ तो हो ही सकता है, इसके बीच में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, हमने एक टर्म यूज किया है एंगल स्ट्रेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंगल स्ट्रेन। देखिए कोई भी एक पार्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का एक एंगल होता है, ठीक है, जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है नॉर्मल 180 डिग्री। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री पे कार्बन बॉन्ड रहता है, तो जब 180 डिग्री में है और अगर आप ये सिक्स मेंबर रिंग बनाओगे, ये सिक्स मेंबर रिंग बना रहे हो, तो देख रहे हो कि 120 डिग्री एंगल पे क्या है आपका कार्बन एटम, 120 डिग्री एंगल पे कार्बन एटम है, तो ये आप आसानी से देख रहे होगे कि ये 120 डिग्री एंगल पे कार्बन एटम है, समझो 120 डिग्री एंगल पे कार्बन एटम है, नॉर्मल एंगल जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो जो डिफरेंस आ रहा है थियोरिटिकल एंगल और प्रैक्टिकल एंगल, एक्सपेरिमेंटल एंगल, उसके कारण मॉलिक्यूल में तनाव, मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप होगा, उसी को कहा जाता है एंगल स्ट्रेन। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि मान लो एंगल आपका थियोरिटिकल ऐसे है 180, और अगर आप इसको क्या करते हो, इसको मोड़ करके जबरदस्त, इसको अगर आप जबरदस्ती क्या करो, ज्यादा मोड़ोगे, तो ये जो आप कर तो दिए लेकिन इसके कारण स्ट्रेन एक डेवलप कर जाएगा मॉलिक्यूल में, और जिसके कारण से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जो होगा कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल, स्ट्रेन डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल, एंगल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन थ्योरिटिकल एंगल एंड प्रैक्टिकल एंगल, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, जो भी कहो एक्सपेरिमेंटल एंगल। ठीक है, एंगल स्ट्रेन होगा कोई भी चीज, मान लो ऐसे है उसको आप ऐसे कर दिए, मतलब ऐसे है उसको ऐसे कर दिए, तो जो डिफरेंस हुआ, जो डिफरेंस हुआ एंगल में, जो एंगल ऐसा होना चाहिए ऐसे वो कर दिया, तो एंगल में जो डिफरेंस हुआ उसी कारण एक स्ट्रेन डेवलप करेगा मॉलिक्यूल में, जिसको कि हम लोग एंगल स्ट्रेन कहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा करोगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएगा। ठीक है, तो इफ एंगल स्ट्रेन इज हाई, इफ ए मॉलिक्यूल हैज हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन, देन मॉलिक्यूल डजेंट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डजेंट एग्जिस्ट, स्टेबल नहीं हो पाएगा और एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, एंगल, जब भी आपको मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन देखना हो तो आपको यही देखना होता है कि जो थ्योरेटिकल एंगल है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ, थ्योरेटिकल एंगल 180 होगा, इसमें प्रैक्टिकल एंगल जो रिंग बनाना है उसमें 120 होगा, तो ये 60 डिग्री का जो डिफरेंस आया, 60 डिग्री का डिफरेंस आया 180 और 120 के बीच में, उसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसी के कारण क्या होगा, ये स्पेसिस जो होगा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो यही सारा कंडीशंस है रेजोनेंस का, जिसमें कि आपको रेजोनेंस करना है और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देना है। अब
इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देते हुए आपको याद ये रखना है कि हम इसको मिटा रहे हैं, आपको पॉइंट्स यही याद रखना है। सो कीपिंग एवर पॉइंट्स इन माइंड, कीपिंग एवर पॉइंट्स इन माइंड रिजोनेंस इज पॉसिबल, रिजोनेंस होगा, पॉसिबल होगा, रिजोनेंस इज पॉसिबल व्हेन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन आर इन कंजुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे सिंपलेट में जो भी कंडीशन हमने आपको अभी इसके पहले बताया, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रिजोनेंस कर सकते हो इन सभी केसेस में। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। चौथा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि स्ट्रक्चरली अलाउड ही ना हो, ये सब चीजें ध्यान रखना है जो हमने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद पांचवा, पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन, ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, या कह सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बगल में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये सारा जो है केसेस है जहां पर आपको रिजोनेंस करना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विद इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजिशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आप कह सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंजुगेशन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कंजुगेशन में होगा सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तब भी आपका रिजोनेंस पॉसिबल होगा। यही सभी जो है आपका कंडीशंस है रिजोनेंस का, इन सभी कंडीशंस में रिजोनेंस करना है, बशर्ते कि जो आपको पॉइंट्स बताया गया है इसके पहले फोर पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखो, यही जो है कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है। अगले क्लास में हम लोग रेजोनेंस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल करना शुरू करेंगे इन डिफरेंट केसेस, ये सारे केसेस में हम लोग रेजोनेंस करना शुरू करेंगे अगले क्लास में।